Exercise 3.1, page number 52, question number 9. If A ratio B is equal to 7 ratio 6, then find the value of 3A plus 5B ratio 7B minus 5A. तो ये रेशो को तो मैंने डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया. अब ये जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना, मैं इसको एरो लगा के यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ. आप इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर लें. 3A प्लस 5B रेशो का मतलब तो डिवाइड होता है, तो आपसे डिवाइड कर लेंगे. किसे करेंगे जी? 7B माइनस 5A. ये फर्स्ट टाइम में आपने करना है, ठीक है जी. अब आपने कुछ ऐसा काम करना है कि ये जो रेशो है ना, ये इसका आंसर ये आ जाए, यानी कि ये A रेशो B की फॉर्म में आ जाए, ठीक है. और इसका आंसर 7, ये वैल्यू हम इसकी आसानी के साथ लगा सकते हैं. अब चूंकि हमारी रेशो है A डिवाइडेड बाई B, तो इसका मतलब है कि आप इस A को B से डिवाइड करेंगे. 3A डिवाइडेड बाई बी, खुद से आप डिवाइड करेंगे. अब प्रॉब्लम ये है कि मैथ में आपको पता है कि आप सारों को बी से डिवाइड करेंगे, फिर जैसे होते हैं ना कि एडिंग ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, इसी तरह फिर आप पूरी एक्सप्रेशन को जो है वो बी से डिवाइड करेंगे. तो 5 को भी के साथ जो नंबर है, वेरिएबल है, उसको भी बी से डिवाइड करेंगे. 7 फिर बी है तो ये भी बी से आप डिवाइड करेंगे. माइनस 5 और A है तो A को भी आप B से डिवाइड करेंगे. मतलब सारे जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं ना इसमें, उन सारों को आप B से डिवाइड कर देंगे. नेक्स्ट टाइम में हम देख लेते हैं 3 इंटू ये आ रहे हैं ना A डिवाइडेड बाई B, इसकी जगह आप इसकी वैल्यू लगा देंगे. कौन सी वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है? 7 डिवाइडेड बाई 6. ये यहाँ पे आप ब्रैकेट में 7 डिवाइडेड बाई 6 लगा देंगे. प्लस 5, ये बीज तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है. और फिर नेक्स्ट टाइम में आपने इसी में आप देखें, डिनोमिनेटर में बी बी से कैंसिल होकर 7 आ जाएगा. माइनस 5 इंटू ए डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 6 है, आप इसको लिख लेंगे. नेक्स्ट में मल्टीप्लाई कर दें 3 को 7 से, तो ये 21 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा प्लस 5. और डिनोमिनेटर में 7 माइनस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा. ये हमारे पास, इसको भी 1 कर देते हैं, इसका एलसीएम नहीं आ रहा तो हम इसको 1 कर देते हैं. नेक्स्ट स्टेप में आपने न्यूमरेटर में भी एलसीएम ले लेना है, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेना है, और फिर उसको आपने कन्वर्ट कर देना है न्यूमरेटर की तरफ. तो वो मैं आपको एलसीएम लेके बताता हूँ कि हमारे पास आंसर क्या आता है. ये स्टूडेंट्स, मैंने एलसीएम लिया है. एलसीएम लेना आसान सा मेथड है, तो वो आप ये देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा. और फिर इसके बाद आपने ये 7 डिवाइडेड बाई 6 को आप न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो 51 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा. जब ये ऊपर जाएगा ना तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे और 51 डिवाइडेड बाई 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा. और अगर हम रेशो में कन्वर्ट करें तो ये 51 रेशो 7 की फॉर्म बनेगा. तो ये स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें हम, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे बताइएगा आप.